Hello everyone, I am Dr. Jasleen Naroda, Consultant Neonatologist and Pediatrician at Amandeep Medicity Hospital, Amritsar. Today I'll discuss about diarrhea. What is diarrhea? How can we prevent it? What are the home remedies that we can do? And are there any precautions to prevent diarrhea in our kids? All this we will be discussing today. So first of all, the question comes, what is diarrhea? Any change in the pattern of stooling in your baby, that means अगर आपका बच्चा जितना रूटीन में स्टूल पास करता है, अगर उससे ज़्यादा बेबी स्टूल पास कर रहा है, या उसके स्टूल की कंसिस्टेंसी पतली हुई है, या स्टूल में ब्लड आ रहा है, या म्यूकस आ रहा है, रेशा जैसा स्टूल आ रहा है, तो उसको हम डायरिया की डेफिनेशन देते हैं। तो छोटे बच्चों में कैसे पता चलेगा? छोटे बच्चे तो बारी बारी स्टूल पास करते हैं। अगर छोटे बच्चों में कंसिस्टेंसी जो है रूटीन से ज़्यादा पतली है ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट है तो भी हम उसे डायरिया कह सकते हैं, जिसे हम हिंदी में दस्त भी कहते हैं। तो ये तो हो गया दस्त को पहचानने का तरीका। डायरिया के कॉजेज क्या होते हैं? डायरिया इन्फेक्टिव हो सकता है, या किसी फूड एलर्जी की वजह से, या फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चे को डायरिया हो सकता है। इन्फेक्टिव कॉजेज में अगर हम बात करें तो वायरस कॉजेज हो सकते हैं, मतलब जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वायरसेस, रोटा वायरस, नॉर्वा वायरस, नॉर्वाक वायरस, इंटेरो वायरसेस, ऐसे कुछ वायरसेस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से बच्चे को दस्त हो सकते हैं। उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक शिगेला, सैल्मोनेला या इकोलाई की वजह से बच्चे को डायरिया हो सकता है। पैरासाइट्स यानी जब पेट में हम कीड़े हों, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कीड़े होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, इसमें हमारा एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा कॉमन होता है जिसकी वजह से बच्चे को डायरिया हो सकता है। उसके अलावा अगर बच्चे ने कहीं बाहर से खाना खाया है तो उसमें टॉक्सिन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे को फूड पॉइजनिंग जैसे फीचर्स आ सकते हैं, जिसमें बच्चा बारी बारी उल्टियाँ और दस्त करता है। उसके अलावा कुछ बच्चों को फूड एलर्जीज भी हो सकती हैं, कुछ बच्चों को दूध से एलर्जी हो सकती है, कुछ बच्चों को कनक से एलर्जी भी हो सकती है जिसकी वजह से बच्चा बारी बारी पॉटी करता है और खाना नहीं पचा पाता। तो ये आप अपने पेडियाट्रिशियन से मिलके आप टेस्ट करवा सकते हैं कि आपके बच्चे को दस्त किस वजह से आ रहे हैं। तो दस्त में करना क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात ओआरएस और जिंक, ये जो जोड़ी है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है बच्चे को दस्त से बचाने के लिए और दस्त का जल्दी से जल्दी इलाज करने के लिए। जैसे ही आपके बच्चे को दस्त लगे उसको ओआरएस का घोल देना शुरू कीजिए। तो ओआरएस बनाना कैसे है? जनरली हमारे पास बड़ी पैकिंग आजकल अवेलेबल है जो हम एक लीटर साफ उबले हुए पानी में घोलना है। आपने एक लीटर का पानी लेना है, उसको उसके अंदर आपने पूरा ओआरएस का पैकेट डिसॉल्व करना है। आधा पैकेट डिसॉल्व नहीं करेंगे या आधी मात्रा में नहीं डिसॉल्व करेंगे क्योंकि उसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होने का रिस्क रहता है। तो आपने पूरा 1 लीटर पानी में एक पूरा पैकेट घोलना है और उसको बच्चे को सिप सिप करके पिलाना है। जो ये घोल आपने घोला है ये आप 24 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं और 24 घंटे बाद आपको इसको फेंकना पड़ेगा। बच्चे को देना कितना है? जितनी बारी आपका बच्चा दस्त पास करता है या लूज स्टूल करता है आपने उतनी बारी बच्चे को पानी देना है ओआरएस का घोल। आप बच्चे को उसकी इच्छा के अनुसार आधे गिलास से लेके 1 गिलास तक बच्चे को आप पानी ओआरएस का घोल देंगे। ओआरएस के साथ आपने बच्चे को जिंक की दवाई ज़रूर देनी है। गवर्नमेंट फैसिलिटी में जिंक की गोली आती है, हमारे पास जिंक का सिरप रहता है। डिपेंडिंग अपॉन के बच्चे ने कौन सा सिरप या कौन सा फॉर्मुलेशन ले सकता है इजीली, हम वो देंगे। 6 महीने तक के बच्चे को आधी गोली देनी है और 6 महीने से बड़े बच्चे को पूरी गोली देनी है। जिंक की गोली पूरी 14 दिन तक हमने देनी है। इसका ये फ़ायदा है कि बच्चे को दस्त जल्दी ठीक होते हैं, बच्चा दस्त कम मात्रा में करता है और आगे आने वाले 3 महीने तक बच्चे को ये दस्त से भी और निमोनिया से भी बचाता है। उसके अलावा बच्चे को दस्त में खाने या खुराक पूरी पौष्टिक आहार देनी है हमने। बच्चे का खाना हमने बिल्कुल भी नहीं रोकना। बच्चे को आपने पतली पतली दलिया, खिचड़ी, दाल, चावलों के पेच, वेजिटेबल सूप, कोकोनट वाटर, और अगर बच्चा पचाता है फुल्का तो आप चपाती भी बच्चे को बिल्कुल छोटी छोटी बाइट करके दे सकते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि मैम बच्चे को दस्त है, हमने खाना बंद कर दिया है। तो ऐसा नहीं करेंगे। दस्त एक इन्फेक्शन है जिसमें आपकी खुराक की, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, कैलोरीज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर हम बच्चे को पूरी खुराक नहीं देंगे तो बच्चे के अंदर कमजोरी हो सकती है और बच्चा मैलन्यूट्रिशन में भी जा सकता है। एंटीबायोटिक्स का वायरल डायरिया में तो बिल्कुल कोई रोल नहीं है।
हाँ, अगर आपके बच्चे को दस्त में खून आ रहा है या रेशा आ रहा है, तो आप अपने पेडियाट्रिशियन से मिल के बच्चे को एंटीबायोटिक्स उनकी सलाह के अनुसार आप दे सकते हैं। अदरवाइज एंटीबायोटिक्स का एक्यूट वायरल डायरिया में कोई रोल नहीं है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है बच्चों में। अगर आपके बच्चे को किसी फूड की एलर्जी है, तो ही हम उसका वो पर्टिकुलर खाना बंद करते हैं। लो लैक्टोज मिल्क या सोया मिल्क देने का एक्यूट डायरिया में कोई रोल नहीं है। उसके अलावा हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर हम दस्त से बच्चे को बचा लें, हम कोशिश करें कि बच्चे को दस्त ही ना हुए, तो क्या क्या प्रिकॉशंस का हम ख्याल रख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लीन एनवायरनमेंट। अब क्लीन एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? एक तो जो भी हम खाना यूज़ करें उसको अच्छे से वॉश करें। आपने रॉ वेजिटेबल्स या रॉ फ्रूट्स जो यूज़ करने हैं, मिनिमम यूज़ करें या उनको अच्छे से क्लीन करके, वॉश करके, ड्राई करके यूज़ कीजिए खाना बनाने से पहले, और खाना बनाने के बाद अपने हैंड वॉश कीजिए। टॉयलेट यूज़ करने से पहले, टॉयलेट यूज़ करने के बाद आप हैंड वॉश कीजिए। जो आपका पानी है वो प्रॉपर फिल्टर्ड हो। अगर आप फिल्टर नहीं है आपके पास, तो आप बच्चों को बॉयल करके भी वो वाटर दे सकते हैं। उसके अलावा खाना ढक के रखिए, और शुरू से ही बच्चे को वॉशरूम यूज़ करने के बाद हैंड वॉश करने का आप आदत डालिए। हैंड वॉश करने का सही तरीका है, जिसे हम कहते हैं 6 स्टेप्स। पहले आप सोप लेके अच्छे से रनिंग वाटर में सोप अच्छे से लगाइए, हथेलियाँ रब कीजिए अच्छे से 20-30 सेकेंड्स। फिर आप हाथ के पीछे वाले एरिया को क्लीन कीजिए, उंगलियों के बीच में क्लीन कीजिए, आप उंगलियाँ क्लीन कीजिए, अपने नेल्स क्लीन कीजिए ऐसे ऐसे, फिर अपने थंब को रब कीजिए, एंड देन यू वॉश योर हैंड्स अंडर रनिंग वाटर। चलते हुए पानी में आप हाथ साफ कीजिए। हर स्टेप को आप 20-30 सेकेंड्स रिपीट कीजिए, और कोई भी इन्फेक्टिव मटीरियल है उससे आप दूर रहें। वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए। रोटा वायरस डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए, जो सबसे जानलेवा है उसको प्रिवेंट करने के लिए, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी वैक्सीन आती है, जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। ये वैक्सीन मुँह के रास्ते दी जाती है और इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके या प्राइवेट सेक्टर में जाके आप ये वैक्सीनेशन ले सकते हैं। कुछ मिथ्स हैं एसोसिएटेड डायरिया को लेके, दस्त को लेके, मैं वो भी आपके साथ आज डिस्कस करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट मिथ हमारी जो रहती है वो ये रहती है कि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मैडम दंदिया रखी हुई है बच्चे ने, शायद इसलिए पतली पॉटी कर रहा है, दाढ़ा रखिया ने। देखो, टीदिंग पर से डज नॉट कॉज डायरिया। जब बच्चा टीदिंग कर रहा होता है, उसी दौरान ही बच्चे ने नया नया चलना या बैठना शुरू किया होता है, और क्योंकि गम में स्वेलिंग होती है, तो बच्चे की टेंडेंसी रहती है कि वो कोई भी चीज़ उठा के अपने मुंह में डालता है। तो कोई भी चीज़ जो साफ़ सुथरी नहीं है या क्लीन प्रॉपरली नहीं हुई है, उसके कारण बच्चे के मुंह में जर्म्स जाते हैं, जो बच्चे के स्टमक में जाके इन्फेक्शन या स्टमक फ्लू या डायरिया कॉज करते हैं। तो टीदिंग से डायरिया नहीं होता है। जो टीदिंग के दौरान हम बच्चे थंब सक करते हैं या चीज़ उठा के मुँह में डालते हैं या अनहाइजीनिक चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उससे इन्फेक्शन की वजह से डायरिया होता है। तो आपने वो सिम्टम्स, लूज स्टूल्स वाले सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने, और अपने पेडियाट्रिशियन के पास जाके उनसे डिस्कस करना है कि क्या बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। उसके अलावा एक मिथ ये रहती है कि बच्चे को पॉटियाँ लगी हैं, इसका दूध बंद कर दो, इसको सॉलिड खाना ना दो। तो ऐसा नहीं है, बच्चा पॉटी बारी बारी नहीं करेगा। अगर हम खुराक पूरी नहीं देंगे या पौष्टिक आहार नहीं देंगे, तो फिर बच्चे के अंदर ज़रूरी एलिमेंट्स की, न्यूट्रिशन की, आपकी कैलोरीज की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चा मैल न्यूट्रिशन में जा सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड डायरिया इज़ वेरी डिवेस्टेटिंग। इससे बच्चे को जान का खतरा भी बन सकता है। और मैं बताना चाहूँगी कि हमने डॉक्टर के पास कब आना है या डॉक्टर की सलाह कब लेनी है। तो कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हैं जब आपको पता चले कि आपने इस टाइम पे जाके डॉक्टर से मिलना है। तो उसमें है कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करे और आप ORS घोल दें और या कोई भी पानी दें, तरल पदार्थ दें, तो बच्चा अंदर नहीं डाइजेस्ट कर रहा, तो आपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है, ताकि उसके अंदर का पानी ख़त्म ना हो। या आपका बच्चा बहुत ही बारी लूज स्टूल पास कर रहा है और उतना बच्चे को हम पानी नहीं दे पा रहे, तो भी आपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है। अगर बच्चे की लैटरिन में या दस्त में खून है, तो आपने डॉक्टर सलाह लेनी है। या बच्चे ने पिछले 6-8 घंटे में यूरिन पास ना किया हो, और अगर बच्चा निढाल हो रहा हो, सुस्त हो रहा हो और पानी भी ना पी रहा हो, तो आपने डॉक्टरी सलाह तुरंत लेनी है। ऐसे केसेस में बच्चे को ग्लूकोज चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप नियरेस्ट डॉक्टर या पेडियाट्रिशियन से जाके सलाह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पेशेंट लिसनिंग।